हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द नॉलेज टेरिटरी। आज हम पढ़ने वाले हैं रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। अब वाटर रिसोर्स वो चैप्टर खत्म नहीं हो पाया, इसलिए कि वो सिलेबस में नहीं है। तो सोचा कि वो सिलेबस में नहीं है तो आप लोगों को जो चाहिए वो पहले प्रोवाइड कर दूं और उसके बाद जाके वो चैप्टर को कंप्लीट करूँगा। फिक्र मत करो, लास्ट को कंप्लीट कर दूंगा। ओके, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। भाई, रिसोर्स और डेवलपमेंट का मतलब क्या है? रिसोर्सेस का मतलब हमें जो नीड्स चाहिए और जो हमें जो जो भी चाहिए, हमारा बेसिक नीड्स, या फिर हमें लाइफस्टाइल के लिए जो रिसोर्सेस चाहिए वगैरह वगैरह। और डेवलपमेंट का मतलब हमारे पास अच्छा क्वालिटी का रिसोर्स होगा, अच्छा क्वांटिटी और बहुत सारा मतलब डेवलपमेंट होगा, सोसाइटी में डेवलपमेंट होगा, उसे डेवलपमेंट करते हैं, मतलब ग्रोथ होगा बहुत कुछ। ओके, एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट व्हिच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड। हमें जो नीड्स जो एनवायरनमेंट देता है उससे हमें सेटिस्फाई होना चाहिए। ओके, इट इज टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल, इकोनॉमिकल फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब ये है कि जो टेक्नोलॉजिकल एक्सेसिबल होगा, हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसको हम एक्सेस कर सकें, और तो और वो इकोनॉमिक फिजिकल होगा, फिजिबल होगा, मतलब जो पैसा, मतलब जो हम लोग जो बाय कर रहे हैं उसमें हम सेटिस्फाई होना चाहिए, और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए, और हमें हम उसको अच्छे से यूज करना चाहिए। ओके, कैन बी टर्म्ड एज रिसोर्सेस। और तो देखो, यहाँ पे पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया है। ओके, ये जो है ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ओके, सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इन्वॉल्व्स एन इंटरेक्टिव रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी और एंड इंस्टीट्यूशंस। हमारा जो इन ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है एनवायरमेंट में, उसको वो सब हो रहा है क्योंकि इंटरेक्टिव रिलेशन, मतलब रिलेशन में आ रहे हैं नेचर, टेक्नोलॉजी और तो इंस्टीट्यूशंस। ओके, ह्यूमन बींग्स इंटरेक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशंस टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो ह्यूमन बींग्स है वो इंटरेक्ट हो रहा है नेचर से, उसमें से हम टेक्नोलॉजी बनाते हैं, टेक्नोलॉजी से हम इंस्टीट्यूशंस बनाते हैं, उसके बाद जाके इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है। ओके, डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इज एब्जॉर्ब्ड बाय मेनी? हाँ, रिसोर्सेज गिफ्टेड ही है, दे आर नॉट। रिसोर्सेज आर ए फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, पर ऐसा नहीं है। जो रिसोर्सेस है वो फंक्शन करता है ह्यूमन एक्टिविटीज को। ह्यूमन बींग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट्स ऑफ रिसोर्सेस। ह्यूमन बींग्स भी एक एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेस है। ओके, वो लोग ट्रांसफर मटेरियल अवेलेबल इन आवर एनवायरमेंट इनटू रिसोर्स एंड यूज देम। और तो और वो मटेरियल्स को ट्रांसफॉर्म करते हैं ताकि वो यूज कर सके रिसोर्सेस को अच्छी तरीके से। ओके, दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग वेज, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, बायोटिक एंड एबायोटिक का मतलब है लिविंग थिंग्स और एबायोटिक का मतलब है नॉन लिविंग थिंग्स। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टेबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब है जो चीज हम फिर से बना, मतलब रिन्यू हो सकता है। मतलब देखो, अभी एग्जाम्पल के तौर से अगर हम सोलर एनर्जी हम जो कैप्चर करते हैं हम यूज कर सकते हैं और वो बार बार हो सकता है। और नॉन रिन्यूएबल का ये मतलब है कि हम अगर एक बार यूज कर देंगे तो फिर से वो नहीं आ सकता। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, ऑनरशिप मतलब यहाँ पे इंडिविजुअली, कम्युनिटी, नेशनल, इंटरनेशनल, उसमें हम डिटेल पढ़ेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल डेवलप स्टॉक एंड रिजर्व्स, उसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं अब नेक्स्ट पेज में। ओके, रिसोर्स देखो, यहाँ पे फ्लो चार्ट के जरिए हमें समझाने की कोशिश की गई है। देखो, रिसोर्सेस में नेचुरल होता है और ह्यूमन होता है, नेचुरल मेड और ह्यूमन मेड, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल में आता है जो फ्लो ऑफ कंटिन्यूस और फ्लो विंड, वाटर, बायोलॉजिकली में आता है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ,
और नॉन रिन्यूएबल में आता है रिसाइकल और नॉन रिसाइकेबल, ह्यूमन में आता है स्ट्रक्चर एंड इंस्टीट्यूशन, क्वांटिटी और क्वालिटी। ओके, हम अभी पढ़ने वाले हैं जो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, पहले हम बेसिस ओरिजिन स्टार्ट करने वाले, बेसिस ऑफ ओरिजिन से। बायोटिक रिसोर्सेज, दीज आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्पेन एंड हैव लाइफ सच एज ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा फौना, फिशरीज, लाइफ स्टॉक एक्सेट्रा। ये जो है वो बायोटिक रिसोर्सेज का मतलब ये है कि जिसके अंदर लाइफ होगा, जैसे कि ह्यूमन बींग्स, फ्लोरा फौना, फिशरीज, फिश, लाइफ स्टॉक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एबायोटिक रिसोर्सेस का ये मतलब है जिसके अंदर नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब उसमें जान नहीं होगा, जैसे कि रॉक्स, मेटल्स, ऑल दोज थिंग्स विच आर कंपोज्ड ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेस। ओके, ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, एग्जॉस्टिबिलिटी रिन्यूएबल रिसोर्सेस, द रिसोर्सेस विच कैन बी रिन्यूड और रिप्रोड्यूस्ड बाई फिजिकल और केमिकल मैकेनिकल प्रोसेस आर नोन एज रिन्यूएबल और रिप्लेसेबल रिसोर्सेस। जो रिसोर्सेस को हम रिन्यू कर सकते हैं, फिर से प्रोड्यूस कर सकते हैं बाई फिजिकली, केमिकली और मैकेनिकली, उससे हमें रिन्यूएबल कहते हैं। उसमें एग्जाम्पल्स है सोलर, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एक्सेट्रा। द रिन्यूएबल रिसोर्सेस में फर्दर भी डिवाइड इंटू फ्लो, कंटिन्यूस और फ्लो, और उसके बाद हम रिन्यूएबल रिसोर्सेस को कंटिन्यूस और फ्लो में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस का मतलब ये है कि दो दिस अकर ओवर ए वेरी लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम, और ये बहुत धीरे धीरे होता है, बहुत टाइम में होता है। मिनरल्स एंड फॉसिल फ्यूल्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ सच रिसोर्सेस। मिनरल्स, फॉसिल फ्यूल्स इसका एग्जाम्पल है। दीज रिसोर्सेस टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स इन इन देयर फॉर्मेशन। ये रिसोर्सेस को बनाने के लिए हमें बहुत साल लगते हैं। ओके, सम ऑफ द रिसोर्सेस लाइक मेटल्स आर रिसाइकेबल, और जो इसमें से थोड़े थोड़े रिसोर्सेस है जो हम रिसाइकल कर सकते हैं, मतलब रीयूज, मतलब अगर वेस्ट हो गया तो फिर से रीयूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि मेटल्स है, सम लाइक फॉसिल फ्यूल्स, जो फॉसिल फ्यूल्स है जो हम कैन नॉट बी रिसाइकल्ड, उस पर रिसाइकल नहीं कर सकते, और तो और वो एग्जस्टेड हो जाता है यूज करने के बाद। भाई क्या हो रहा है, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप इंडिविजुअल रिसोर्सेस, देर आर ऑल्सो ओन्ड प्राइवेटली बाई इंडिविजुअल्स। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाई कमेंट अगेंस्ट द पेमेंट और रेवेन्यू। इंडिविजुअल रिसोर्सेस का मतलब ये है कि किसी ओनर, मतलब किसी लैंड को, मतलब इंडिविजुअल के अंडर ही रहता है जो चीज़। ओके, जैसे कि लैंड हो गया, मतलब प्लॉट्स, हाउसेस, अदर प्रॉपर्टीज। ओके, एग्जाम्पल के तौर से, और तो और इसमें ज़्यादातर दीज आर ऑल्सो ओन्ड बाई प्राइवेट बाई इंडिविजुअल्स। मैनी फार्मर्स ओन लैंड विच इज अलॉटेड टू देम बाई गवर्नमेंट अगेंस्ट द पेमेंट ऑफ रेवेन्यू। इन विलेजेस देर आर पीपल विथ लैंड ओनरशिप बट देर आर मैनी हु आर लैंडलेस। विलेज में बहुत सारे लोगों के पास जमीनें होते हैं, पर फिर भी कितने, बहुत, उसमें से ज़्यादा, और भी ज़्यादा जमीनें नहीं होते हैं। अर्बन पीपल ओन प्लॉट्स, अर्बन लोग, मतलब जो शहर में रहते हैं, उनके पास प्लॉट्स होता है, घर होता है, अदर प्रॉपर्टीज होता है, प्लांटेशन, पेस्टोर लैंड, पॉन्ड्स, वाटर एंड वेल्स एक्सेट्रा उनके पास। आर सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ रिसोर्सेज ओनरशिप बाई इंडिविजुअल्स, ये सब इंडिविजुअल्स के पास होता है। मेक ए लिस्ट ऑफ रिसोर्सेज ओन्ड बाई योर हाउस, ये छोड़ो। कम्युनिटी ओन्ड रिसोर्सेस, मतलब कम्युनिटी के द्वारा कौन सा रिसोर्सेस ओन्ड हुआ है। ओके, जैसे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं कि ग्राउंड, मतलब जो ग्रेजिंग ग्राउंड, पार्क, प्लेइंग ग्राउंड एक्सेट्रा। देर रिसोर्सेस विच आर एक्सेसिबल
टू ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, वही बता रहा था। ओके रुको भाई, एक चेंज कर देता हूँ, हो गया। ये जो दीज आर रिसोर्सेस विच आर एक्सेसिबल टू द ऑल द मेंबर्स ऑफ द कम्युनिटी, विलेज कॉमन, ग्रेजिंग लैंड्स, रूरल ग्राउंड्स, विलेज पॉन्ड्स एक्सेट्रा। और जो अर्बन में होता है जैसे कि पब्लिक पार्क, पिकनिक स्पॉट्स, प्लेग्राउंड्स इन अर्बन एरियाज आर डिफेक्ट ऑफ एक्सेसिबल टू ऑल द पीपल लिविंग देयर। ये सब उनके कम्युनिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। नेशनल रिसोर्सेज ये वो रिसोर्सेज है जो कि कंट्री मतलब नेशंस के नाम नेशन को बिलोंग करता है। टेक्निकली ऑल द रिसोर्सेज बिलोंग टू द नेशन, पूरा का पूरा रिसोर्सेज जो है बिलोंग करता है नेशन को। द कंट्री हैज लीगल पावर टू एक्वायर इवन प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। और तो और उनके पास ये भी पावर होता है कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी को पब्लिक के अच्छाई के लिए भी रख सकते हैं। रोड्स, कैनल्स, रेलवेज बीइंग कंस्ट्रक्टेड ऑन फील्ड्स ओन्ड बाय सम इंडिविजुअल्स। और तो और रोड, कैनल, रेलवे उनका गवर्नमेंट का ही है, सब गवर्नमेंट का ही है, पर किसी इंडिविजुअल्स के द्वारा कंस्ट्रक्ट हुआ जाता है। अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज गेट एम्पावर्ड बाय गवर्नमेंट टू एक्वायर लैंड। जो डेवलपमेंट अथॉरिटीज जो होते हैं उन्हें अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज होते हैं उन्हें गवर्नमेंट से मतलब उनके पास पावर है गवर्नमेंट से लैंड लेने का। ओके, ऑल द मिनरल्स, वाटर रिसोर्सेज वाइल्ड लाइफ लैंड विथिन द पॉलिटिकल बाउंड्रीज एंड द ओशनिक एरिया अप टू 12 नॉटिकल माइल्स 22.2 किलोमीटर फ्रॉम द कोस्ट टर्न एज टेरिटोरियल वाटर एंड रिसोर्सेज देर इन बिलोंग टू द नेशन। और जो मिनरल्स होता है, वाटर रिसोर्सेज होता है, फॉरेस्ट होता है, वाइल्ड लाइफ होता है, जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज के अंदर होता है, और तो और ओशनिक एरिया के अंदर जो 12 नॉटिकल माइल्स के अंदर जो होता है उस नेशंस को वो सारा का सारा बिलोंग होता है। ओके मतलब जो ओशन में जो होता है उसमें जो मिनरल्स होता है 12 नॉटिकल के माइंस उसको सिर्फ एक ही मतलब जिस देश के अंदर नॉटिकल माइंस हुआ होगा उसी देश को बिलोंग करता है। ओके इंटरनेशनल रिसोर्सेज क्या है? देर आर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन विच रेगुलेट सम रिसोर्सेस, उनके पास भी कुछ मतलब राइट्स है लेने का। ओके द ओशनिक रिसोर्सेज बियॉन्ड 200 नॉटिकल माइल्स ऑफ द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू ओपन ओशियन एंड नो इंडिविजुअल कंट्री कैन यूटिलाइज दिस विदाउट द कंसर्न्स ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस के बारे में तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक, यूनेस्को, WHO एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जो हम लोगों को पता है ना, जो ओपन ओशियन जो होता है मतलब जो किसी भी एरिया के अंडर नहीं आता है, अगर किसी कंट्री ने इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से परमिशन ना लेके अगर वहां का रिसोर्सेस यूज करना चाहे तो मतलब ले रहा होगा तो वो कंट्री उस मतलब इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन उसके बाद उनके ऊपर बहुत कड़ी एक्शन ले सकते हैं। ओके ऑन द बेसिस ऑफ द स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के बेसिस से हम अब पढ़ने वाले हैं। पोटेंशियल रिसोर्सेस, रिसोर्सेस विच आर फाउंड इन रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज। पोटेंशियल रिसोर्सेस का मतलब ये है कि जो रिसोर्सेस हमने ढूंढ लिए हैं पर हम अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। ओके जैसे कि राजस्थान में सोलर विंड्स और तो और गुजरात में राजस्थान और सोलर में सोलर एनर्जी वीड। ओके ये सब हम यूज नहीं कर पा रहे हैं ज्यादा मात्रा में। ओके बट सो फार दीज हैव नॉट डेवलप्ड प्रॉपरली, ये सब ज्यादा डेवलप नहीं हुआ है। डेवलप्ड रिसोर्सेस, रिसोर्सेस विच आर सर्वेड एंड देयर क्वालिटी एंड क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन।
डेवलप्ड रिसोर्सेस मतलब जो रिसोर्सेस का जो उसका काम मतलब उसका अच्छे तरीके से सर्वे कर दिया गया है, और तो और क्वालिटी क्वांटिटी चेक कर चुके हैं, और तो और उसे यूटिलाइजेशन करने के लिए यूटिलाइजेशन किया जा रहा है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी एंड लेवल ऑफ फिजिबिलिटी। जो डेवलपमेंट जो रिसोर्सेज का जो डेवलपमेंट है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डिपेंड करता है, और तो और फिजिबिलिटी, फिजिबिलिटी मतलब कितना पैसे से मार्केट में सेटिस्फाई होगा लोगों के लिए। मेटेरियल्स सॉरी स्टॉक मेटेरियल्स इन द एनवायरमेंट विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स, बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। जो ये जो है जो मेटेरियल्स जो एनवायरमेंट है मतलब लोगों को ह्यूमन को अप्रोच हो रहा है, पर वो उनका अप्रोप्रिएट जो टेक्नोलॉजी का एक्सेस मतलब यूज नहीं कर पा रहा है उसे स्टॉक कहते हैं। दीज आर इंक्लूडेड अमॉन्ग स्टॉक, इस ये सब स्टॉक के इंक्लूड में आते हैं। ओके फॉर एग्जाम्पल जो वाटर इज ए कंपाउंड ऑफ टू गैसेस हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, आपको पता ही होगा H2O। हाइड्रोजन कैन बी यूज एज अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, हाइड्रोजन हम यूज कर सकते हैं एक रिच सोर्स ऑफ एनर्जी के तौर से, पर बहुत सारे लोगों को पता नहीं है कैसे यूज करना है। ओके ये इससे कहते हैं स्टॉक। ओके इट कैन बी कंसिडर्ड एज अ स्टॉक। रिजर्वर्स रिजर्व्स आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक विच कैन बी पुट इन टू यूज विद द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ, बट देर इज यूज हैज नॉट स्टार्टेड। जो रिजर्व्स जो होता है वो सबसेट होता है स्टॉक का, कि उसका जो विच कैन बी पुट इन टू यूज द हेल्प ऑफ एग्जिस्टिंग टेक्निकल नो हाउ बट देर इज नो हैज बीन स्टार्टेड, मतलब इसका यूज तो जानते हैं लोग पर उनके पास वो अप्रोच नहीं हो रहा है। दिस कैन बी यूज फॉर मीटिंग फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स। रिवर वाटर कैन बी यूज फॉर जनरेटिंग हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, बट प्रेजेंटली इट इज यूज बींग यूटिलाइज ओनली टू लिमिटेड एक्सटेंट। जो रिवर वाटर है वो हम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं, पर अभी जो टाइम पे लिमिटेड एक्सटेंट में यूज हो रहा है। थस द वाटर इन द डैम्स फॉरेस्ट एक्सेट्रा इज अ रिजर्व विच कैन बी यूज इन द फ्यूचर। और तो और ये जो रिजर्व है वो फ्यूचर के लिए बचाना चाहते हैं, इसलिए लोगों को प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेस कैसे होगा, डेवलपमेंट रिसोर्सेस का। रिसोर्सेस आर वेटल फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज मेंटेनिंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है रिसोर्सेस, कि वो ह्यूमन सर्वाइवल को आसान बनाता है और तो और क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करता है। इट वाज बिलीव दैट रिसोर्सेस आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर। हमें माना जाता है कि रिसोर्सेस एक बहुमूल्य और गिफ्ट है नेचर के लिए। एज अ रिजल्ट ह्यूमन बींग यूज देम इनडिस्क्रिमिनेटली एंड दस लीड टू एंड दिस हैज लीड टू दैट फॉलोइंग मेजर प्रॉब्लम्स। और ह्यूमन बींग्स इसे इनडिस्क्रिमिनेटली मतलब बार बार ओवर एक्सप्लोटेशन यूज कर रहा है, और तो और ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स को लीड करता है, जैसे कि डिप्लेशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ ए फ्यू इंडिविजुअल्स। रिसोर्सेस कम हो रहा है क्योंकि बहुत मतलब जो कम इंडिविजुअल्स जो हैं वो लोग ज्यादा ग्रीड मतलब ज्यादा लालच में आके ले रहे हैं सब कुछ, रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं। ज्यादा रिसोर्सेस यूज कर रहे हैं। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स विच इन टर्न डिवाइडेड द सिटी इन टू टू सेगमेंट्स हैव्स एंड नॉब हैव नॉट्स और रिच एंड पुअर। और तो और जो रिसोर्सेस है अगर हम इनडिस्क्रिमिनेटली बांट दिया जाए टू सेगमेंट्स में, तो फिर वो रिच वो एक तो जिनके पास होगा उनके पास वो रिच हो जाएंगे, और जिसके पास नहीं होगा वो पोर हो जाएगा। इसको इस ये बहुत ही मतलब खराब सिचुएशन को लीड कर सकता है। इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लोटेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज लीड टू ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। अगर हम इनडिस्क्रिमिनेटली एक्सप्लोटेशन करें रिसोर्सेस का, तो फिर बहुत सारे ग्लोबल क्राइसिस को और लीड कर सकता है, जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लेशन,
एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो सकता है और तो लैंड डिग्रेड भी हो सकता है. ओके, एन इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बिकम एसेंशियल फॉर ए सस्टेन क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड ग्लोबल पीस. अगर हम रिसोर्सेज को इक्वली बांट दिया जाए तो फिर हमारा लाइफ पूरा का पूरा आसान हो सकता है और तो क्वालिटी ऑफ लाइफ सबके लिए पीस हो सकता है, ग्लोबल पीस हो सकता है. इफ इफ द प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ रिसोर्सेज ऑफ द रिसोर्सेज डिप्लेशन बाई ए फ्यू इंडिविजुअल्स एंड कंट्रीज कंटिन्यू, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानिट इज इन डेंजर. अगर हमारा जो रिसोर्सेज है वो डिप्लेशन होता गया क्योंकि फ्यू इंडिविजुअल ज्यादा यूज कर रहे हैं, कंट्री फ्यूचर में प्लानिट भी डेंजर में आ सकता है, कंट्री के साथ प्लानिट भी. ओके, देयरफॉर रिसोर्स प्लानिंग इज एसेंशियल. इसलिए रिसोर्स प्लानिंग का बहुत ही बड़ा रोल अदा करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए, फॉर सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ. सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस इज ए कंपोनेंट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट. सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आपको पता ही होगा कि मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज इन द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन. और इसका मतलब ये है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम जो डेवलपमेंट कर रहे हैं उसको एनवायरनमेंट को डैमेज ना करते हुए डेवलपमेंट हुआ जाए, और तो और जो हमें अभी चाहिए डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन. और जो हमें अभी चाहिए वो उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए फ्यूचर जनरेशन के लिए. ओके भाई, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है. रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992 और एजेंडा 21. इन जून 1992 मोर देन 100 हेड्स ऑफ स्टेट्स इन रियो डी जेनेरो इन ब्राजील फॉर द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट. 1992 में बहुत सारे कंट्रीज रियो डी जेनेरो में एक सबमिट किए थे. द समिट वॉज कन्वर्ड फॉर एड्रेसिंग अर्जेंट प्रॉब्लम्स ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द ग्लोबल लेवल. और तो ये समिट इसी पर्पज पे हुआ था कि क्योंकि एनवायरमेंट प्रोटेक्शन दिया जाए और तो सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ग्लोबल लेवल में लिया जाए. ओके, द असेंबल्ड लीडर्स साइन द डिक्लेरेशन ऑफ ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी. और तो जो लीडर्स जो है वो साइन किए थे ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंजेस को और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के लिए. ओके, द रियो कन्वेंशन Addressed the global forest principles and adopted Agenda 21 for achieving sustainable development in the 21st century. और तो और उसी समिट में उन्होंने adopt किया था Agenda 21 को कि sustainable development 21st century में हम जरूर करेंगे. Achieving मतलब अच्छे से हम sustainable development को आगे लिया जाएगा इस idea को. It is declaration signed by world leaders in 1992. At the United Nations Conference on Environment and Development. ये बहुत ही important term है. UNICED, UNCED, United Nations Conference on Environment and Development, which took place at Rio de Janeiro. ये Rio de Janeiro में हुआ था, ब्राज़ील में है वो. It aims at achieving global sustainable development. It is an agenda to combat environmental damage, poverty, disease through global cooperation on कॉमन इंटरेस्ट म्यूचुअल नीड्स एंड सेट रेस्पॉन्सिबिलिटीज. उसके ऊपर बहुत सारा काम है, जैसे कि एनवायरमेंटल डैमेज है, पॉवर्टी के ऊपर वो काम करते हैं, डिजीज के ऊपर काम करते हैं, और जो ग्लोबल लेवल में ज्यादा मतलब जो ग्लोबल में वर्ल्ड में ज्यादा चलता है उसके ऊपर वो काम करते हैं. वन मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा 21. और एजेंडा 21 का ये बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है कि वो लोग हर एक लोकल गवर्नमेंट का उनका खुद का लोकल एजेंडा 21 होना चाहिए. ओके, रिसोर्स प्लानिंग प्लानिंग इज द वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटेजी फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्सेज. प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें अगर रिसोर्सेज को अच्छे से यूज करना है तो प्लान के हिसाब से हम करना चाहिए. इट हैज इंपॉर्टेंस इन अ कंट्री लाइक इंडिया which has enormous diversity in the availability of resources. और ये important काम है क्योंकि इंडिया में
क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस है. दीज देर आर रीजंस विच आर रिच इन सर्टेन टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज बट आर डेफिशिएंट इन सम अदर रिसोर्सेज. ऐसा कुछ जगह है जहाँ पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल है पर और भी ऐसा जगह है जहाँ पे कुछ भी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है. देर आर सम रीजंस विच कैन बी कंसिडर सेल्फ सफिशिएंट इन टर्म्स ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड देर आर सम रीजंस विच हैव एक्वायर्ड शॉर्टेज ऑफ वाइटल रिसोर्सेज. हम अगर एग्जाम्पल के तौर से ले जाए तो झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश बहुत ही उनके पास रिसोर्सेस है मिनरल्स और कोल डिपॉजिट्स में, और अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारा वाटर है पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट नहीं है. राजस्थान में बहुत सारा सोलर और विंड है पर वाटर रिसोर्सेस नहीं है. ये भाई ये एग्जाम्पल देने में बहुत काम आ सकता है ओके, किसी को भी समझाने के ओके. द कोल्ड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिलेटिवली आइसोलेटेड विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री. इट हैज वेरी कल्चरल हेरिटेज बट इज डेफिशिएंट इन वाटर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सम वेटल मिनरल्स ओके. लद्दाख भी बहुत रिच है कल्चरल हेरिटेज के लिए पर उनके पास वाटर की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर खराब है और तो वाइटल मिनरल्स की भी कमी है. दिस कॉल्स फॉर बैलेंस रिसोर्सेस प्लानिंग एट द नेशनल, स्टेट, रीजनल और लोकल लेवल्स. उसके बाद उन्होंने प्लान करना शुरू किया कैसे हम रिसोर्स प्लानिंग किया जाए कि नेशनल लेवल में, स्टेट लेवल में, रीजनल लेवल में और लोकल लेवल्स में ओके. द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन बट मेयर अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में हाइंडर डेवलपमेंट. जो अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज है इज अ नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी रीजन. जो रिसोर्सेज है उनके जरिए हम एक रीजन को हम डेवलप कर सकते हैं पर डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज इन द एब्सेंस ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस में हैंडल डेवलपमेंट. अगर किसी जगह पे अच्छा टेक्नोलॉजी ना हो, अच्छा इंस्टीट्यूशंस ना हो तो फिर वहाँ पे रिसोर्सेस मतलब जो जिसके पास जिसके जगह पे कम रिसोर्सेस है वहाँ पे हम डेवलपमेंट को कम होते हुए देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पे टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशन लेवल भी कम होगा. दीज देर आर मेनी रीजन्स इन आवर कंट्री दैट आर रिच इन रिसोर्सेज बट दोज आर इंक्लूडेड इन इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन्स. और तो और बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जो कि रिच है रिसोर्सेज में पर फिर भी वो इकोनॉमिकल बैकवर्ड रीजन्स है. और तो और बहुत सारे पोअर रिसोर्सेज जगह है पर दे आर इकोनॉमिकल डेवलप्ड. और तो और बहुत सारे ऐसे जगह भी है जहाँ पे रिसोर्सेस कम है पर इकोनॉमिकल वो बहुत ही अच्छे हैं ओके. द हिस्ट्री ऑफ कॉलोनाइजेशन रिवील्स दैट द रिच रिसोर्सेज इन कॉलोनीज वर द मेन अट्रैक्शन फॉर द फॉरेन इन्वेडर्स. जो हम इतिहास से ही हम जान सकते हैं कि कॉलोनीज जो एक कंट्री दूसरे कंट्री के ऊपर रूल करता है वो फॉरेन जो इन्वेडर्स होते हैं मतलब जो बाहर से आए होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं रिसोर्सेज के ऊपर क्योंकि जहाँ पे ज़्यादा रिसोर्सेज होगा वहाँ पे उनका इट हैज प्राइमरीली द हाई लेवल ऑफ टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ द कॉलोनाइजिंग कंट्रीज दैट हेल्प टू एक्सप्लोर रिसोर्सेज ऑफ अदर रीजन्स एंड एस्टेब्लिश द सुप्रीमेंस ओवर द कॉलोनीज. और तो और वहाँ से हम वो लोग रिसोर्सेज लेके उनको उनके लिए अच्छा वो अपना खुद का अच्छा बनाएंगे उसके बाद उन कॉलोनीज के ऊपर सुप्रीमेसी मतलब राज करेंगे ओके. रिसोर्सेज कैन कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ओनली व्हेन दे आर एकॉम्पेड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशनल चेंजेस. और तो और रिसोर्सेज कंट्रीब्यूट कर सकता है डेवलपमेंट के लिए कि नॉट ओनली इन एकॉम्पेड बाय एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशन वो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट भी हेल्प कर सकते हैं और तो और इंस्टीट्यूशनल चेंजेस को भी हेल्प कर सकता है ओके. इंडिया हैज एक्सपीरियंस ऑल दिस इन डिफरेंट फेजेस ऑफ कॉलोनाइजेशन. इंडिया ने ये एक्सपीरियंस कर चुके हैं उनका जो कॉलोनाइजेशन फेज में. देयरफॉर इन इंडिया डेवलपमेंट इन जनरल एंड रिसोर्सेज डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर डज नॉट इन्वॉल्व द एबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज बट ऑल्सो द टेक्नोलॉजिकल टेक्नोलॉजी क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द हिस्टोरिकल एक्सपीरियंस ऑफ द पीपल. और तो और रिसोर्स डेवलपमेंट
एक ही जगह पे अवेबिलिटी नहीं है रिसोर्स, मतलब एक ही जगह पे ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस अवेबिलिटी नहीं है। और तो और जो डेवलपमेंट होता है वो सिर्फ एक ही जगह पे नहीं होता, बहुत सारे जगह पे होता है। जैसे अगर किसी के पास ज्यादा टेक्नोलॉजी भी है और क्वालिटी भी है ह्यूमन रिसोर्सेस का, उसका भी एक्सपीरियंस चेंज हो सकता है और ज्यादा से ज्यादा अच्छा हो सकता है। कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेस, रिसोर्सेस आर वाइटल ऑफ एनी डेवलपमेंट चेंज, बट इरिटेशनली कंजप्शन ऑफ एंड ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस में लीड टू सोशियो इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स। और तो और जो रिसोर्सेस है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले करता है एनवायरमेंट एक्टिविटीज के लिए। जो अगर हम बार बार अगर एक चीज को यूज किया जाए, रिसोर्सेस को यूज किया जाए, वो एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स भी क्रिएट कर सकता है। और तो और हमें इससे रिकवर होना है तो टू ओवरकम दीज प्रॉब्लम्स रिसोर्सेस कंजर्वेशन एट वेरियस लेवल इज इंपॉर्टेंट। और तो और ये जो रिसोर्स कंजर्वेशन है इम्पोर्टेंट है हर एक लेवल के लिए। दिस हैड बीन द मेन कंसर्न ऑफ द लीडर्स एंड थिंकर्स इन द पास्ट। और तो और ये पहले बहुत सारे लोग सोचते थे कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। गांधी जी वेर वेरी एप्ट इन द वॉइसिंग इज कंसर्न अबाउट रिसोर्सेस। और तो और गांधी जी ने ये भी बोला था कि देर इज एनफ फॉर एवरीवन्स नीड, नॉट फॉर एनीबॉडी ग्रीड। ही प्लेस द ग्रीडी एंड सेल्फिश इंडिविजुअल्स एंड एक्सप्लोर नेचर ऑफ द मॉडर्न टेक्नोलॉजी एज अ रूट कॉज ऑफ रिसोर्स डिप्लेशन ऑफ एट द ग्लोबल लेवल। उन्होंने ये बोला, ये तक भी बोल दिया था कि लोग लोगों के पास बहुत सारा अच्छा मतलब रिसोर्सेस है, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने सेल्फिशनेस के लिए लोगों का भलाई सोचते नहीं है, अपने बारे में ही सोचते हैं और उसके बाद जाके दूसरों के बारे में सोचते हैं। और तो और उन्होंने ये तक बोल दिया था कि अगर हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी के थ्रू हम अगर डेवलपमेंट किया जाए तो डेवलप हो सकता है, पर अगर कोई लोग सेल्फिशनेस और ग्रीड की तरफ जाए तो वो ग्लोबल लेवल पे बहुत ही खतरा हो सकता है। ही वॉज अगेंस्ट मास प्रोडक्शन एंड वॉन्टेड टू रिप्लेस इट प्रोडक्शन बाय द मासेस मैग्नीट्यूड। देयरफॉर इट इज इंपॉर्टेंट टू यूज द अवेलेबल लैंड फॉर वेरियस पर्पजेस विद केयरफुल प्लानिंग। और तो और हम लोग जो बहुत सारे लैंड्स को हम वेरियस पर्पजेस मतलब अलग अलग पर्पज के लिए यूज कर सकते हैं विद केयरफुल प्लानिंग के साथ। इंडिया इज अंडर ए वेराइटी ऑफ रिलीफ फीचर्स नेमली माउंटेन प्लेटूज प्लेन्स एंड आईलैंड। अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन, 43% प्लेन के अंडर आता है विच प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। माउंटेन अकाउंट्स 30%, माउंटेन के अंडर 30% आता है जो जो कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द कंट्री। एंड सर पेरिनल फ्लो ऑफ सम रिवर्स, उसके अंदर रिवर्स भी आता है। प्रोवाइड फैसिलिटीज फॉर टूरिज्म एंड इकोलॉजिकल एस्पेक्ट्स। अबाउट 27% ऑफ द कंट्रीज प्लेटू रीजन, इट हैज इट प्रोसेसेस रिच रिजर्व्स ऑफ मिनरल्स फॉसिल फ्यूल्स एक्सेट्रा एंड फॉरेस्ट। ये सब है इंडिया में कैसे कवर हुआ है माउंटेन प्लेन्स और प्लेट्यूज के बारे में। आज के लिए बस इतना ही। हम कल पढ़ने वाले हैं लैंड यूटिलाइजेशंस के बारे में, कैसे कैसे कितने टाइप्स के लैंड्स हैं। और तो और सॉरी गाइस, ये थोड़ा मुझसे मिस्टेक हो गया। कैसे हम कितने सारे प्रकार के लैंड्स हैं, कितने हम यूज कर सकते हैं। और तो और बहुत सारे लैंड्स को हम कैसे कैसे वो वेस्ट हो चुका है और तो उन्हें कैसे हम यूज कर सकते हैं, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सो गाइस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक इट एंड प्लीज शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। इफ यू आर अगर आपने ये वीडियो को अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। लास्ट बात ये कहना चाहता हूँ कि स्टे इन होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत।